रक्षाबंधन पे खूब जाते हो ना तुम लोग, है चौटाला भी पहुंचा बहन जी के पास, थाली भी खुद ही ले गया था, बहन जी के पास थाली भी खुद ही ले गया था वो चौटाला का लड़का। क्या है आपको पता है रक्षाबंधन का? मैं बताता हूं आपको, हमारे राजा बलि हुआ करते थे शूद्र समुदाय से, उनके पास ये जो भगवान बताते, पता नहीं काल्पनिक ही लगता मुझे सारी चीजें, लेकिन जो काल्पनिक मैं वही कहानी बता रहा हूं आपको। तो उनके पास इनका ब्रह्मा पहुंचा कि भाई वो ऋषि के वेश में पहुंचा कि मुझे ना कुछ दे दो आप। कहता जी मांगो क्या, बड़ा दानी था वो। कह रहा मुझे तीन पैर जमीन दे दो। तो कह रहा जी ठीक है, पहला पैर रखा उन्हें तो पूरी जो माप दी धरती, कभी ऐसा होता है क्या? दूसरा पैर रखा आसमान नाप दिया, कितने अद्भुत वाक्य है। तीसरा मैंने बोला कारकुन वैसे सिर पर रख लो मेरे, सिर पर रख लिया। कह रहा अभी पैर मत रखाना, एक वचन दो जो मैं मांगूंगा वो तू भी देगा। तो बोला ठीक है जी मांग ले। कह रहा मैं जब भी आंख खोलू मुझे तू दिखना चाहिए और मुझे पाताल में बिठा दे जाएगा। पाताल में बिठा दिया, वो ब्रह्मा उसका चौकीदार बन गया, कभी भी आंख खुल सकती है। तो उसकी धर्मपत्नी होगी परेशान, नारद से पूछा कि वो कड़े गया भगवान है, तीन साल हो गए उन्हें। कह रहा वो तो चौकीदार बना हुआ राजा बलि का, कहती वापिस कैसे मिलेगा? कहते बलि जो है ना बड़ा दानी है, वो कभी मना नहीं करता। आप एक काम करो, आप ये धागा ले लो और वहां चले जाओ, रोने लग जाना कि मेरे कोई भाई नहीं है। तो लेकिन बांधने से पहले उससे प्रतिज्ञा ले लेना। तो उसने ऐसे ही किया और वो गई। उसने जो है ना वो रक्षाबंधन वाला काम कर दिया और कह रही भाई वचन दे दे जो मैं मांगूंगी वो देगा। बोले ठीक है। तो उसने फिर बोली ये मेरा घरवाला इन्हें छोड़ दे, इन्हें दे दे, वो लेके गई थी।